मजनू हैं मगर ख्वाहिश लैला नहीं करते, मजनू हैं मगर ख्वाहिश लैला नहीं करते, हम इश्क तो करते हैं तमन्ना नहीं करते। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। आजकल एक अजीबोगरीब बीमारी पूरे देश में छा गई है, जिस चैनल या फिर अखबार में देखो कोई ना कोई प्यार इश्क और मोहब्बत की खबरें नज़र आ जाती हैं। इन खबरों में लव जिहाद की खबरें बहुत ही आम हो चुकी हैं। हर खबर का एंगल एक ही होता है, जिसमें बताया जाता है कि शादी के एक साल बाद पता चला कि पति दूसरे धर्म का था, शादी के 3 साल बाद पता चला कि पति हिंदू नहीं था, शादी के 5 साल बाद, शादी के 10 साल बाद, शादी के 15 साल बाद दुल्हन को पता चलता है कि उनके मियाँ दरअसल किसी दूसरे धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। मतलब शादी के कई सालों के बाद पता चलता है कि पति किसी दूसरे धर्म का है। पत्नी को अचानक पता चल जाता है कि वो इतने सालों से जिसके साथ रह रही थी दरअसल वो उसका पति नहीं, शौहर है। वो खुद को जिस पति की पत्नी मान रही थी दरअसल वो पत्नी नहीं बल्कि बीवी है। कुल मिलाकर पत्नी को ये पता चल जाता है कि दरअसल वो शादी के बाद पत्नी नहीं बल्कि दूल्हे की बेगम है। वल्लाह कुर्बान जाऊँ ऐसी बेगम, ऐसी पत्नी और ऐसी श्रीमतियों पर जिनको अपने पति को समझने में कई सावन बीत गए, जिनको मियाँ के बारे में तब पता चला जब कई बसंत बीत गए, कई भादो बीत गए। कई खबरें तो ऐसी भी हैं जिसे पढ़ने के बाद पता चलता है कि 4 बच्चों की अम्मा को कई सालों के बाद पता चला कि ये बच्चों के बाप नहीं बल्कि अब्बा है। हद है, मतलब इतने सालों के बाद अगर एक पत्नी को अपने ही पति के धर्म के बारे में पता चलता है तो आखिर तुम किस बात की पत्नी हो? चलो अगर इस बात को सच भी मान लिया जाए तो भले ही पूरी दुनिया आपके पति से अनजान रही हो, लेकिन एक पत्नी को अपने पति के बारे में कई सालों के बाद जानकारी सामने आने की बात ही पत्नी पर कई तरह के सवाल खड़ा कर देती है। क्योंकि पूरी दुनिया आपके पति के बारे में नहीं जानती हो, लेकिन एक पत्नी से पति की असलियत शादी होते ही पता चल जाती है। इसके बावजूद भी अगर लड़के ने फेरे लेकर शादी की है तो पति कभी भी मुस्लिम हो ही नहीं सकता, क्योंकि शरीयत इस बात की इजाज़त नहीं देती कि कोई मोमिन किसी गैर मोमिना के साथ शादी करे। भले ही लड़का और लड़की कानून के मुताबिक कोर्ट मैरिज कर लें, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी शादी को शरीयत के मुताबिक तब तक कबूल नहीं किया जाएगा जब तक कि लड़की और लड़का दोनों ने निकाह ना कर लिया हो। शरीयत तो यहाँ तक कहती है कि निकाह के वक्त लड़की और लड़का दोनों ही मुसलमान होने चाहिए। केवल मुसलमान ना होने की छूट उन्हीं लड़कियों को दी गई है जो अहले किताब है। सबसे खास बात यह है कि अगर लड़की अहले किताब यानी ईसाई या यहूदी है उसका धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाएगा और उसके साथ सीधे निकाह हो जाएगा। लेकिन अगर लड़का मुस्लिम होकर हिंदू रीति रिवाज से शादी कर लेता है तो फिर वो मुसलमान नहीं रह जाएगा, उसका ईमान ही खत्म हो जाएगा। ऐसे शख्स अब उसी धर्म के माने जाएंगे जिस धर्म के मुताबिक उसने शादी की है। तो पत्नियों को अगर पता भी चल जाए 10 साल पहले उनकी शादी जिससे हुई है मुस्लिम नाम वाला है या फिर उसके पति के मुस्लिम घर वाले मुस्लिम हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका पति पहले मुस्लिम था लेकिन अब हिंदू ही है। लेकिन लड़का और लड़की में प्यार हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, बिना शादी ही मियाँ बीवी बन जाने की जिनाकारी को रिलेशनशिप और लिविंग कहकर नाजायज़ रिश्ते को नया फैशन बनाया जा रहा है। लेकिन एक बात जो सबसे खास है वो ये है कि इन अखबारों और चैनलों पर नज़र आने वाली खबरों में लव जिहाद का नाम बहुत ही तेज़ी के साथ आगे आ रहा है, जबकि लव और जिहाद दो अलग अलग चीज़ें हैं जिनके बारे में खुद मोदी सरकार पहले ही इनकार कर चुकी है। लेकिन हर शादी और धोखे को लव जिहाद कहना भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि लव अंग्रेजी का शब्द है जिसका मतलब होता है प्यार, इश्क, मोहब्बत, जबकि इसके ठीक उलट जिहाद अरबी का शब्द है जिसका मतलब होता है जुल्म, अत्याचार, शोषण के खिलाफ छेड़ी गई जंग। लेकिन जिहाद और लव को मिलाकर लव जिहाद का नाम दिया जा रहा है, वो अभी सिर्फ इसलिए क्योंकि जिस तरह से लव और जिहाद में अंतर है ठीक उसी प्रकार हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के की शादी को लव जिहाद का नाम दिया जा रहा है। हर खबर में एक ही पैटर्न की बात बताई जा रही है जिसमें लव जिहाद का जिक्र आता है। लेकिन क्या होगा अगर लड़की मुस्लिम हो और लड़का हिंदू? क्या होगा जब शादी के कई सालों के बाद किसी पति को मालूम होता है कि उसके बच्चों की अम्मा दरअसल एक मुस्लिम है? आपको हमारे सवाल सुनकर हंसी आ सकती है, लेकिन प्यार और धोखे से की गई शादी को लव जिहाद का नाम दिया जा रहा है।
कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें एक लड़की पर लव जिहाद का आरोप लगाया जा रहा है। आखिर कैसे सिर पर सवार हो गया लव जिहाद का भूत, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। इसके अलावा अगर टाइम्स मेल को आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दिलनुमा आकृति में नजर आने वाला थैंक्स बटन पर क्लिक करके आप हमारी मदद भी कर सकते हैं। लौटते हैं अब खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है जिसे सुनकर ये मामला किसी को हजम ही नहीं हो रहा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। हलकारा कपूरवा के रहने वाले जगवीर ने 12 साल पहले पूजा से शादी की थी, लेकिन जगवीर का दावा है कि उसकी पत्नी पूजा नहीं बल्कि हसीना बानो है। अब जागीर का दावा है कि 2 साल पहले ये सच्चाई सामने आने के बाद जगवीर को इस्लाम कबूल करने के लिए धमकाया जा रहा है। इस्लाम कबूल ना करने पर उसका सर कलम करने की धमकी भी दी गई है। हालांकि पुलिस ने धमकी देने वाले आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित जगबीर का इल्ज़ाम है कि पूजा ने 2 साल पहले बेटे आयुष का नाम स्कूल में अनीस लिखा दिया, इसके साथ ही उसका खतना भी करा दिया। विरोध करने पर उसको जान से मारने की धमकी दी जाने लगी। जगबीर का दावा है कि 12 साल पहले उनको रेलवे स्टेशन पर पूजा नाम की लड़की मिली थी। उसने बताया था कि उसका कोई भी नहीं है, जिसके बाद जगबीर और उसका परिवार तरस खाकर पूजा को अपने घर ले आया। इसके कुछ ही दिनों बाद जगबीर ने पूजा से शादी कर ली। शादी के कुछ सालों बाद पूजा ने एक बेटे और एक बेटी को जन्म दिया। अब अगर जगबीर की बताई कहानी पर गौर किया जाए तो शादी के लगभग 10 सालों बाद पत्नी पूजा बच्चों को इस्लामी शिक्षा देने लगती है। जब जगबीर ने इसका विरोध किया तो उसको जान से मारने की धमकी दी जाने लगी। जगबीर का कहना है कि 2 साल पहले उसको पता चला कि उसकी पत्नी पूजा नहीं बल्कि हसीना बानो है। हसीना बानो ने बेटे का खतना करवाकर उसका धर्म परिवर्तन कर दिया। जगबीर का कहना है कि हसीना बानो के परिवार वाले उसे भी बार बार धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर रहे हैं कि अगर उसने मुस्लिम धर्म नहीं अपनाया तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। जगबीर का आरोप है कि मुस्लिम धर्म के साथ साथ उसका घर और संपत्ति भी पूजा और हसीना बानो अपने नाम करवाना चाहती है। पीड़ित ने इस मामले में पुलिस को तहरीर दी है। जगबीर ने कहा कि राजीव नाम का शख्स लगातार पूजा और हसीना बानो से मिलने आता था। जब वो इस बात का विरोध करता तो उसे जान से मारने की धमकी देता था। अब पीड़ित जगबीर का कहना है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार होने के बाद भी उसकी सुनवाई नहीं हो रही, उसकी जान को खतरा है। अब अगर जगबीर के आरोपों पर गौर किया जाए तो उसकी पत्नी पूजा से राजीव नाम का शख्स मिलने आता था, तो ऐसे में सवाल है कि राजीव कौन है? क्या राजीव किसी मुस्लिम का नाम तो है नहीं? उसकी पत्नी राजीव के संपर्क में कैसे आ गई? ये पूरा मामला कुछ और ही रास्ते पर नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है, तलाक लेने के लिए इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है? एक तरफ पत्नी को बदचलन साबित कर दिया जाए तो वहीं दूसरी पत्नी की पहचान पर सवाल खड़ा कर दिया जाए। अगर कोई भी अनजान लड़की किसी स्टेशन के बाहर मिल जाएगी तो क्या कुछ ही दिन में उसकी शादी हो जाएगी? क्या गुमशुदा लड़की के परिवार की तलाश के बिना कोई शख्स किसी लड़की को अपनी पत्नी बना लेगा? उस वक्त पुलिस को कोई खबर क्यों नहीं दी गई? अब कुछ दिनों का इंतजार करिए, जब जगबीर के लगाए गए आरोपों की सच्चाई कुछ और ही निकलकर सामने आ जाएगी। लेकिन ऐसे मजेदार इल्ज़ाम लगाकर जगबीर ने लव जिहाद का जनाजा ही निकाल दिया है। बहरहाल चलते चलते आखिर में तुराब काकुरवी ने भी क्या खूब फरमाया है, शहर में अपने ये लैला ने मुनादी कर दी, शहर में अपने ये लैला ने मुनादी कर दी, कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स बटन पर क्लिक करके आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। और हाँ, हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को, हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।